हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेट काश ऑन वेब टेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों गूगल मेल आईडी चेंज कैसे करें, अगर गूगल ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हो कि नहीं, अगर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, सब सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इस वीडियो के एंड में आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपका जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाए, तो जाने से पहले एक सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, उसको प्रेस कीजिए, और दोस्तों आपके सब्सक्राइब से थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाता है हमको यूट्यूब से, और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है आपके ओर से। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं गूगल में जा रहा हूँ, यहाँ पे गूगल ओपन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरे 3 ईमेल आईडी लॉगिन है, ओके, यहाँ पे एक, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ओके। ये जो ईमेल आईडी है, सॉरी, ये ईमेल आईडी है वो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और जब भी इस पे या इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ईमेल आईडी इधर आ जाएगा, तो ये वाला यूज़ में आ जाएगा। तो समझो अभी आपको मेल आईडी चेंज करना है तो कैसे करना है। अगर आपको आपके फ़ोन में 3-4, अगर आपको ये मेल आईडी चेंज करना है, समझो यहाँ पे लिखा है demo@netcast@gmail.com, आपको ये नाम चेंज करना है, डेमो नेटकास्ट 199 या नेटकास्ट डेमो ऐसे कुछ चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हो या कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, जो लॉगिन है वो आप इधर क्लिक करके इस पर करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इससे चेंज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ओके। दोस्तों कुछ भी करना है तो आपको जिस ईमेल आईडी को करना है वो लॉगिन कीजिए, जो ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया है, और मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाइए, और ये फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। माय गूगल अकाउंट में ये लोडिंग हो रहा है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको प्रेस कीजिए, और यहाँ पे जाइए पर्सनल इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे देखो नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब दिख रहा है, और ये आपका ईमेल आईडी है जो गूगल का ही है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल अकाउंट ईमेल द, यहाँ पे अभी क्या लिखा है आप देख लीजिए, दिस एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई योर गूगल अकाउंट टू यू एंड अदर, यू कांट चेंज दिस एड्रेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप ये ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, ओके, आप ये ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने बना लिया तो बना लिया, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है अल्टरनेटिव ईमेल्स आईडी, तो यहाँ का क्या है, अदर ईमेल आईडी दैट यू कैन यूज़ टू सेंड इन योर अकाउंट, दे कैन ऑल्सो यूज टू रीच यू इन केस यू गेट लॉक्ड आउट। आप यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो अगर ये वाला ईमेल आईडी ब्लॉक होता है तो ही वो ईमेल आईडी पे आपका ईमेल आ जाएगा, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं दोस्तों, बिकॉज ईमेल आईडी कभी ब्लॉक नहीं होता जीमेल में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेशन दे दूँगा, अगर आपको दूसरा ईमेल आईडी चाहिए तो आप ईमेल आईडी दूसरा क्रिएट कीजिए दूसरे नाम से, वो ऑलरेडी जो ईमेल आईडी है वो आप चेंज नहीं कर सकते, तो गूगल क्रिएट अकाउंट में जाके आप ईमेल बना सकते हो। ईमेल कैसे बनाना है मेरे, आप प्ले स्टोर प्ले लिस्ट में देखिए या मेरे चैनल में जाके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।